दोस्तों, आज मैं बैठा हूँ मेडिकल के उस क्लिनिक पे जहाँ पे डॉक्टर रजत जैन जी मौजूद हैं। आज जानकारी लेते हैं डॉक्टर रजत जैन जी से, क्या किस प्रकार हृदय के अंदर प्रॉब्लम होती है, किस प्रकार हृदय के अंदर अनेक बीमारी हो जाती है, और भी अधिक जानकारी लेते हैं डॉक्टर रजत जैन जी। सर, मार्केट सम्मान में आपका स्वागत करता हूँ सर। धन्यवाद सर। मैं जानना चाहता हूँ सर, हृदय के अंदर अनेक बीमारी सब किस प्रकार हो जाती है? हृदय की जो बीमारियां हैं आजकल दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं, इसका मुख्य कारण अति आधुनिक दिनचर्या है, जैसे कि वजन ज़्यादा होना, खाने पीने में जंक फूड, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, अत्यधिक घी का सेवन, नमक का सेवन, इस प्रकार की आदतों के कारण दिन प्रतिदिन हार्ट की बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। बढ़ता वजन, ज़्यादा वजन होना, नियमित कसरत ना करना, जरा भी शारीरिक श्रम ना करना, इसके मुख्य कारण। सर, हृदय रोगों का रोकथाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं सर? हृदय रोगों की रोकथाम के लिए मुख्यतः अपनी दिनचर्या में परिवर्तन, जैसे कि नियमित घूमने जाएं या एक्सरसाइज करें, खाने पीने में घी, तेल, मीठे का कम से कम प्रयोग करें, फास्ट फूड, जंक फूड, पिज़्ज़ा वगैरह बिल्कुल कम से कम कभी कभार खाने चाहिए, खाने में सलाद का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, शक्कर का सेवन कम करना चाहिए, और अगर आदमी को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की बीमारी है तो समय रहते उसका उपचार नियमित कराना चाहिए। सर, हृदय रोग के लिए क्या क्या इलाज संभव है? हृदय रोग के अत्याधुनिक इलाज सभी संभव हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रिवेंशन, रोकथाम। हृदय रोगों में रोकथाम का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि एक बार अगर हृदय की बीमारी हो जाती है तो इलाज अत्यधिक महंगा व कॉम्प्लिकेटेड है। सामान्य ब्लड प्रेशर के कंट्रोल से, डायबिटीज़ के कंट्रोल से, दिनचर्या परिवर्तन से हम अधिकांश हृदय की बीमारियों को रोक सकते हैं। कुछ जो ना रोक ही सकने वाली बीमारी है, जैसे बाल खराब होना, या उसके इवन दिनचर्या कंट्रोल के बाद भी अगर हृदय में कोई बीमारी आ जाती है तो उसके अत्याधुनिक इलाज हर जगह संभव है, ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, दवाइयाँ काफ़ी अच्छी और सस्ती उपलब्ध हैं, और सभी जाँचें जैसे कि इकोकार्डियोग्राफी, TMT, एक्सरे, ECG सामान्यतः उपलब्ध हैं, जिनको कि कराकर आदमी अपना इलाज करा सकता है। जी सर, हृदय रोग के साथ मरीजों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हृदय रोगों के मरीजों को एक तो बिना बताए कभी दवाई बंद नहीं करनी चाहिए, अपना ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ लगातार कंट्रोल रखनी चाहिए, खाने में वसा का सेवन कम से कम करना चाहिए, नमक का सेवन कम से कम करना चाहिए, प्रतिदिन अगर आपको कोई हृदय की बीमारी है तो 2 ग्राम से कम नमक ऊपर से ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, और घी का प्रयोग कम करना चाहिए, हरी सब्जियां, ताजे फल ज़्यादा खाने चाहिए, नियमित जितना आपके डॉक्टर ने बताया है उतना घूमने जाइए, आपकी क्षमता के हिसाब से घूमने जाना चाहिए सबको अपनी, अत्यधिक बहुत ज़्यादा अत्यधिक एक्सरसाइज भी बिना डॉक्टर को बताए ना करें, जितना डॉक्टर कहे उतना एक्सरसाइज करें, दवाइयाँ नियमित लें, खून को पतला रखने वाली दवाइयाँ नियमित ली जाती हैं, जैसे कि इको स्पिन वगैरह, इस प्रकार से हम अपने हृदय के रोगों को काफ़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और एक सामान्य ज़िंदगी हृदय की बीमारी होने के बावजूद भी जी सकते हैं। सर, मैं जानना चाहता हूँ सर, हार्ट अटैक आजकल अचानक आने की संभावना कब पड़ जाती है सर? हार्ट अटैक आने की संभावना एक तो निर्भर करता है कौन सा मौसम चल रहा है, जैसे जाड़ों में हार्ट अटैक पड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि खून थोड़ा सा खून का पतलापन कम हो जाता है। दूसरा, अत्यधिक आवेग में आना, इमोशनल स्ट्रेस, या हमेशा हरी और भरी इस तरह की लाइफस्टाइल जीना, अत्याधुनिक लाइफस्टाइल की वजह से भी हार्ट अटैक के आने के खतरे बढ़ जाते हैं। अत्यधिक क्रोध करना, आवेग में आ जाना, मनुष्य को शांत जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए, ना अत्यधिक आपकी इच्छाएँ हों, एक सामान्य मॉडरेट लाइफ जीना हार्ट के रोगों से बचा सकता है। ओके सर, थैंक यू। कैमरामैन रोजाटक के साथ देवेंद्र कुमार संवाददाता, मार्केट संवाद, जिला झांसी।